से यहाँ पहुँचा। और आप लोग को सारी चीज़ों मालूम हो चुकी है कि केस ट्रांसफर हो गया है अनिरुद्ध बोस के पास। ये लोग अपनी जीत बता रहे हैं कि हम लोग जीत गए। पहले तो हल्ला हुआ था कि ऑडियो में कि विदड्रॉ करेंगे, लेकिन शायद इनको लगता है कि अनिरुद्ध बोस के पास चले गए। 25 लाख जुर्माना देने को भाई हमारे तैयार हैं। इस बात के लिए मैं आपको रूट करता हूँ कि आपको 25-50 लाख देने के लिए तैयार हैं। और हम लोग बता रहे हैं, और डीएलएड का जो आपका पक्ष है बहुत मजबूती से आज भी रखा गया और आगे भी रखा जाएगा। बताइए कि चंदा दोनों से लेते हैं, एनआईएस के बाहर करने के लिए क्या प्लान है? ये तो आप लोग का प्लान है, डीएलएड और रेगुलर डीएलएड एनआईएस को लड़वाने के लिए आप लोग का प्लान है। आए दिन आपका रिकॉर्डिंग वायरल होता है मिकू जी, आए दिन। ये क्यों रिकॉर्डिंग होता है अभी नहीं, ये बताइए आपका रिकॉर्डिंग क्यों वायरल होता है? बताइए सभी को। रिकॉर्डिंग वायरल होता है क्या? रिकॉर्डिंग वायरल होता है वो तो मतलब हमारा मान लीजिए कि हमारा मर्जी नहीं होगा तो थोड़े वायरल होगा। अगर कोई डीलर वाला घुस करके वायरल कर दिया था उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या आपकी क्या प्लान था कि विड्रॉ कराने का? हमारे विड्रॉ का कोई प्लान नहीं था, विड्रॉ था और सभी लोग का मतलब मानना था। और हम लोग भी जानते थे कि ये केस हो सके तो अनिरुद्ध बोस के पास जाएगा। बिल्कुल, डीएलएड वाले भी अब जो नेतृत्व करता है और बीएड वाले आपको भी पता है, जैसे सर हमको भी पता है। तो इसमें जीत आप अपनी कैसे बता रहे हो और डीएलएड वाले कैसे बता रहे हो? ये तो सबसे पहले बता दें अनिश जी, ये लड़ाई जो हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया है, क्या आप कह सकते हैं कि मिकूपाल तुम्हारा योगदान नहीं है? हमको पहले देखिए बात, योगदान के मैं आपकी सातवां चरण बहाली में आपका योगदान है, लेकिन अब बीएड बाहर हो चुका है। इस चीज को कबूल करिए कि प्राथमिक में आप या बाहर के लिए भी हम कबूल करते हैं, लेकिन किस डेट में किया ये हमको बताइए। किस डेट में चिल्लाइए मत, किस डेट में बाहर हुआ ये बताइए। कानून रद्द हो गया तो आप काहे लागती करते हैं? किस डेट में बाहर हुआ, किस बेसिस पर आप नौकरी करिएगा? कौन सा कानून, कौन सा आपका छठा चरण को हटाइए? छठा चरण को हटाने के लिए इन्होंने रिट पिटीशन डाला है। छठा चरण को हटाने के लिए नहीं, आपने पूरा का पूरा उसमें छठा चरण का नोटिफिकेशन, तब आप गलत है अनिश जी, सारा चीज डाले हैं। नहीं तब आप गलत है, छठा चरण को निकालने के लिए नहीं, छठा चरण को आधार बना करके उसी पर हमको भी शामिल कीजिए। आधार बनाइएगा तो निकलेगा वही। आप तो गए, आपका यही कहना है कि हम तो डूबेंगे ही सोना, तुमको भी ले डूबेंगे। भैया जब हम डूबेंगे और डूबेगा तो आप जश्न मनाइए, आपको क्या दिक्कत है? हम लोग बस इस जीत को सुनिश्चित करने आए हैं कि जो बार बार चार दफा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट के अलावा जो डीएलएड के पक्ष में, आप चाहते हैं कि बहाली फंसे? नहीं बहाली नहीं फंसे, चाहते हैं कि फंसे? आप फंसा भी नहीं सकते। जब नहीं फंसा सकते हैं तो अस्थिर रहिए भैया, हम चार बार पांच बार जुर्माना भरेंगे। आप लड़ने आए हैं तो हम लोग भी तो लड़ने आएंगे भैया, हम जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं। जो प्लान था, जो ऑडियो वायरल हुआ था विड्रॉ कराने का, वो क्यों नहीं सक्सेस हुआ? ऑडियो वायरल करने के लिए क्यों? एक बात बताइए, हमारा मर्जी के तो मतलब मालिक है ना। एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, इतने लाखों रुपए का फंडिंग उठाते हैं पेटिशनर 300-400, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? वकील आप तो जानते नहीं रहे हैं। आप कैसे जानते हैं कि 300 है कि 400 है कि 500 है? सभी लोग ये जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं पेटिशनर का पैसा जा कहाँ रहा है। छोड़िए, बताइए 22-23 लाख रुपए एक दिन में बर्बाद हुआ ना? हाँ, उसका भुगतान कौन करेगा? आप बताइए कि कैसे है? आप बताइए हैं क्या भुगतान कर रहे हैं? हमारा पेटिशनर क्या दिए हैं? नहीं, पेटिशनर इसमें लिख रहा है कि मेरा 3,000 रुपया दो। कौन लिख रहा है? कमेंट ऊपर चला गया। उसका बाबूजी आप हैं, उसका चिंता है? पता नहीं बाबूजी का लिखने वाला का बाबूजी है, हो सकता है उसका जीजा हो जो लिखा हो। देखिए कौन है आपको, हो सकता है उसका जीजा हो जो लिखा हो। अभी आप बोले कि मेरा ग्रुप का बात कैसे लिखवा, तो 3,000 दिया होगा तबे ना जी। वो 3,000 कहने के लिए तो कह सकता है कनिष्ठ 5 लाख मेरा लेकर के भाग गया, तो निश्चित भुगतान करेगा। कहे फिर, कहे कोई की 5 लाख लेके गए हैं? कहे कोई 5 लाख? तो हमारे एक बात आपने बोला कि कल जो होगा वो फैसला मंजूर होगा आज के बदले। अब आज तो अनिरुद्ध बोस के पास चला गया, अब अनिरुद्ध बोस और जो भी उनके साथ जो भी पैनल बैठेंगे वो कर कहेंगे कि नॉट बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर्स। उसके बाद आप क्या एक्शन? खाली बोलने बड़ा कि नॉट प्राइमरी, बोला ना तू अपना, बोला चारों लाइन, बोला चारों वर्ड बोला। वो डायरेक्ट बोलेगा कि राजस्थान ना हो, यहाँ देवेश नहीं है, यहाँ दीपांकर बने, अरे भैया मिकूपाल बने, बिहार की जवाब। भैया हम का बिहार से आई बनी, हम बिहार से नहीं आई, आरा मतलब हम वो आरा जिला से, आरा जिला का बिहारा नहीं। भैया तो हटे जिला रहता सो बिना छिलले कर दी बांस। अरे भाई नाप दे रहे नदी ना डाल के अपन लाठी हो, जिला हो यार तो माथा में आ गई, माथा में आ गई रोत और ऐसे कट कर रोता से बोल बार रोता से कट के आरा नहीं मना साहब है बात से आई बड़ा। हां सुनो ना भैया, आई देख ला आई अभी सीख जान की के क्या अनुरुद्धा बोस जी के ऊपर कुर्सी पे बैठे लन। अरे इनके ये एनआईएस आज एनआईएस के लिए बाहर करने के लिए ये जो इंसान लगे हुए हैं, ठीक है चलिए इनके प्रति मेरा इज्जत है, लेकिन क्या एनआईएस के लिए बाहर कर दीजिएगा? नहीं, ये चीजें अच्छी नहीं है। ये देखिए यहीं पे मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ कि मिकूपाल जी रेगुलर डीलर और एनआईएस डीलर को लड़वाने का काम करते हैं। देखिए यहीं पे इनका बार बार ऑडियो जारी होता है। हमारे भाई हैं और उनके प्रति थोड़ा भी दिल में मैं बोल रहा हूँ थोड़ा भी गलत चीज, आपके दिल में बहुत कुछ है। क्या आप कुछ जो कुछ है वो बोलिए नहीं रहा है, जो नहीं है वही बोल रहे हैं। एक बात बताइए,
हम किस लिए लड़ रहे हैं? बात बताइए, अनिरुद्ध बोस क्या कहेंगे कि मैंने वो गलती से फैसला दिया था? क्या कहेंगे कि उसी की जगह पर बैठ जाए ना, आप कह दीजिएगा। आप जब सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो आपको मालूम है कि जो कानून की देवी होती है वो अपने आंखों पर पट्टी बांधती है, तर्क भैया यही तो डीलेट वाले में है कि बच्चा बोलते हैं दादा महाराज। नहीं, आपने तो पूरे के पूरे रिट पिटीशन ही गलत फाइल किया। फिर मौगी लिखा इसे हाथ चमका हुआ भाई, कौन बात हुआ भाई? तू ही तो मौगी नहीं, जुल्फ बढ़ा ले बड़ा, ये कौन बात हुआ? इधर वीर सिंह कह रहे ही नहीं होने देंगे, छठा चरण बर्बाद कर देंगे, सातवां चरण सब। अरे छठा चरण के लिए बर्बाद करने के लिए आपने रिट पिटीशन डाला। अच्छा, छठा चरण के लिए हमने सातवें चरण के लिए डाला। बिहार बीएड एकता मंच आपका विरोध करता है? कहाँ विरोध करता है? मैंने रोज आए दिन उनका ट्विटर पे देखता हूँ। कहाँ विरोध करता है? बीएड एकता मंच। हेलो भैया, तो तोहरो बहुत विरोध करत रहे। हमारे कहाँ कोई डीले एकता मंच है? नहीं है। काहे नहीं है? कहाँ, हम तो नहीं देखे हैं। काहे नहीं है अस्तित्व में? काहे नहीं है ये बताइए। देखिए यहाँ पे आके मिकूपाल मेरा 5,000 वापस करो, ये कौन है? वो हो सकता है कि बहन के साथ तिलक दिया होगा, तू मांग रहा है। गलत बात नहीं, अभ्यर्थी आपके से सवाल पूछ सकते हैं। भैया देता है डीलेट को, अब मांगता है बीएड से। साथ लड़े थे तो साथ वेतन क्यों नहीं? हम कहते जब बीएड है नहीं है तो वेतन कैसा? उसमें तो ये लिख रहा है कि दोनों मिलकर के बकचोदी कर रहा है, उसका क्या जवाब दीजिएगा? अरे बकचोदी देखिए, ये अभ्यर्थी हैं और ये भाई हैं अपने। अच्छा। कोई इनकम को ये नहीं बोलते हैं, जो लोग भी है सही। आखिर आप लोग बहुत दिन से सोचते हैं कि सामने सामने बात करें। कुल मिला करके साफ साफ कह दिया जाए, साफ साफ कहे बीएड बचेगा नहीं। अच्छा, ये कोई समझ कह दिला नहीं, मौसा बैठल बड़ा सुप्रीम कोर्ट वाले। अरे भैया वही मौसा के पास दोबारा गए हैं, अब की बार कहिए तो फूफा जी से नाराज होकर 50 लाख। अच्छा, 50 लाख मरवा दो, देवे पे तैयार पर देगा। हमारे बाबूजी लगे ना हुई तो अपने बाबूजी से कुछ मदद करवा दिया, क्योंकि दोस्त बा फसल बात मदद करवा दिया। मुश्किल में पड़बो तो अनिश मदद करें, लेकिन प्राथमिक में शामिल होकर किछ अवतमदिस मदद ना करिए। जे झाट बर हतन ही मदद ना करिए, काली हतन आनी सही कर दी। गाली नहीं कोनो बात ना हुआ, ई बताइए। नहीं, एक बात हम बाहर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मदद कर देंगे। जो भी मिकूपाल जी का मदद के जो तो हम देंगे, लेकिन प्राथमिक में शामिल होने की बात करेंगे तो हमें इनका हर बार कंडेम करूंगा और हर बार विरोध करूंगा। ये चीज आंदोलन में जब पैसा वाले लेते थे, डीएलएड वाले कहता था कि बाहर करेंगे। अभी तो डीएलएड वाले से लेते थे, उनको क्यों 30 नंबरी कहते हैं? क्या है, क्या है बार बार 30 नंबरी कहते हैं? पूछिए क्या है। डीएलएड वाला इतना चनाक होता है, डीएलएड इधर देखिए, डीएलएड वाला इतना चनाक होता है, पैसा दिलवाता है अनिश सिंह दूसरे को, हमको कहता है करे चंदा चोर मेरा पैसा दो। आप चंदा चोर जब जब 30 नंबरी कहते हैं तब तब चंदा चोर कहते हैं। आप 30 नंबरी कहना छोड़ दीजिए, लोग भी चंदा चोर कहना छोड़ देगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ लड़ा जाए, आप अपनी लड़ाई अच्छे से लड़िए। डीएलएड वाले लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, बिल्कुल बार बार आप मुंह के खा रहे हैं, लेकिन क्यों आ जा रहे हैं? रोज मुंह से जब आप जीतिए क्यों आ रहे हैं? जाकर स्कूल में पढ़ाई जाओ, जीत रहे हैं। आपका ये हारा हुआ चेहरा देखने, जो आप चाहते थे कि विड्रॉ हमारा चेहरा देखना है, हमारा चेहरा हम लिखित दे रहे हैं दोस्त की जीतेंगे। देखो ये लिखित दे रहे हैं, देख रहे हैं कि मिकूपाल जी गारंटी, मिकूपाल जी का कहना है ये रिकॉर्ड करके जीतेंगे। रिकॉर्ड कीजिए, मुझे जहाँ तक मालूम है और मुझे भरोसा है और मुझे एथी है कि ये प्राथमिक बातें नहीं बढ़ना थे। जब आपने कह दिया कि हम जीतेंगे, हमने कह दिया कि हम जीतेंगे, अब मामला न्यायपालिका में है, समय बताए। और न्यायपालिका का क्या है रिस्पॉन्स आप सभी लोग जानते हैं कि न्यायपालिका सत्य के साथ है और सत्य परेशान हो सकता है, ये लोग परेशान कर सकते हैं। 3,000 रुपए लेके लेंगे, जीतेगा डीएलएड ही। कौन इधर यही बैठिए ना, यहीं पर बैठिए ना। सत्य के राह पर अनिश भाई हम सब हैं और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं कि जो भी होगा निर्णय हो जाएगा कि, लेकिन जिस मजबूती से अभी तक लड़े हैं इसका दाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं, मैंने कल आपके कमिटी पोस्ट पे दाद दिया कि 4 बार जजमेंट आने के बाद भी लड़ रहे, उसके लिए मैं आपके जज्बे को सलाम देना चाहता हूं। तो हम अभी हौसला हारे नहीं है, हौसला नहीं हारे, लेकिन केस हार रहे हैं। बिल्कुल नहीं, केस जीत रहे हैं। काहे नहीं, ये आप बताइए कौन कौन सा ऐसा, कौन सा ऐसा जजमेंट है? अब ये बताइए अनिश भाई, आप हमको ये बात बताइए, जब आप इतने श्योर हैं कि आप जीत रहे हैं तो क्या क्या जरूरत थी फिर से चार सुप्रीम सुपर सीनियर लॉयर मीनाक्षी अरोड़ा, गोपाल सरन,
उसके बाद और इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में है कि ऐसे न कि हार जाए। नहीं तो आपके तरफ से बिहार सरकार पूरे के पूरे बिहार सरकार आपके तरफ नहीं आपके हम कैसे कह सकते क्योंकि एसएलपी दायर करके उन्होंने डीलेड वाले सौतेला बिहार के हम कैसे मान लें। ये अभ्यर्थियों के बीच गलत संदेश है। नहीं गलत अभ्यर्थी सब देख रहे हैं। एसएलपी में सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में इन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा था। चलिए ये बात दीपांकर जी ने कहा कि एसएलपी क्लियर है लेकिन 100% का दावा भी यही लोग 9 तारीख को ठोक रहे थे तो कैसे नहीं पढ़े थे। बिल्कुल कोर्ट में ये उस दिन वो पलट था कोर्ट में इन्होंने पलट गए एकदम पलट दावा कैसे पलट सकते हैं एकदम पलट गए कोर्ट में नहीं पलट कोई आवाज भी हम लोगों ने देखा। सरकार को कुछ नहीं ओवरऑल मैंने यही नोटिस किया कि बिहार सरकार को न तो बीएड को ज्वाइन कराना है और न डीएलएड को ज्वाइन कराना है। उसको केवल मुद्दा को भ्रमाए रखना है मुद्दा बस एक बहाना देगा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और अल्टीमेटली झेल कौन रहा है ये युवा झेल रहा है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी झेल रहे हैं हम लोग जो 2019 से लाठी खा रहे हैं वे झेल रहे हैं। और आज लाइव आने का ये दीपांकर जी मीकू पाल जी और मैं भी यहाँ जुड़ा हूँ आप लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि बकचोदी कर रहा है या पागल जैसा या फिर ये लोग आपस में कुछ साठ काटे देखिए साठ काट के नहीं जो बीएड और डीएड की लड़ाई व्यक्तिगत बनते जा रही है उस चीज को हम लोग सफाया करने के लिए यहाँ पे कोई व्यक्तिगत लड़ाई यहाँ नहीं है इसलिए यहाँ हम लोग बात कर हंस भी इसलिए रहे हैं कि देखिए ये बीएड के पक्ष तरफ से पक्ष रख रहे हैं और हम डीएड की तरफ से पक्ष रख रहे हैं स्पष्ट बात है और मजबूती से भी रख रहे हैं हम भी रहे लेकिन मैं देखता हूँ आमतौर पर लोग आपस में गाली गलौज करते हैं उस चीज को कंडेम कर रहा हूं। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप कोई कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर मत ना करें हम लोग सब भाई भाई हैं हम लोग सब एक साथ लड़े हैं और एक साथ नौकरी के लिए ही अभी तक लड़ रहे हैं। यदि नहीं कोर्ट मानेगा अगर हमको बाहर करता है कोर्ट बाहर कर देगा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये लोग अपना अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और डीलर वाले अंतिम लड़ाई में अपना अपोजिशन रख रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं और मजबूती में वो भी रख रहे हैं लेकिन मैं देखता हूं कि मीकू पाल जी ही को कोई गाली दे देता है कोई हमको गाली देता है कोई दीपांकर को या कोई भी साथी को इस चीज को गाली देने से किसी का भला नहीं होने वाला है। और मीकू पाल जी आज के बाद 30 नंबर आप लोग को नहीं कहेंगे ज्यादातर शिकायत आपका यही रहता है इस बात को आप यहाँ बोलिए लाइव में। अगर ऐसा लगता है कि मैं 30 नंबर ही बोलता हूँ अनिश भाई तो देखिए 30 नंबर ही बोलने के पीछे ये देखिए किसी के क्वालिफिकेशन पर हम सवाल नहीं उठा सकते इस चीज को हमको रोकना होगा क्योंकि वो चीज बहुत लोगों को चुभता है सबका एक जैसा मार्क्स नहीं आता बहुत लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं इस चीज नंबर करके इस चीज को हम चाहेंगे कि इस चीज को आप भी अपने किसी भी ओपन मंच पे ना कहें और हम भी कोशिश करेंगे और करते भी हैं कि हम किसी निगेटिव चीजों पे ध्यान ना दें। इस नंबरी के पीछे देखिए अनिश जी एक ही चीज है कि लोग जो उल्टा कमेंट करते हैं पर्सनली व्यक्तिगत मेरी माँ की मेरी बहन को गाली देते हैं उनको किस नंबर देख छोटा चीज है मैं ये चीज तो नहीं करना चाहिए। 1800 लोग जुड़े हुए हैं उन 1800 लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अगर कुछ मेरे को मानने वाले देखिए मेरी लड़ाई डीलेट के लिए ईमानदारी से लड़ूंगा और लड़ते आया हूँ और ये बीएड के लड़ ये भी लड़ेंगे लेकिन मेरी इनसे ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ना मैं इनको गाली देता हूँ ना ये मुझे गाली देते हैं उसी तरह से आप लोग भी किसी को गाली ना दे और ये आज आपके सामने बोलते हैं कि किसी को भी इसके बाद कभी लाइव जाएंगे कभी भी 30 नंबर ही बोलेंगे आप लोग को नहीं बस आप लोग भी इनको चाहिए गाली ना दीजिए अगर कोई बात का तर्क रखना है तो तर्क आज अगर किन्हीं को दिक्कत है तो अपनी सब्जेक्ट को लेकर के अपनी बातों को लेकर के लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट यदि बाहर कर देगा तो किसी की हैसियत है क्या कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में आए तो यही मेरा लड़ाई जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जी जान से लड़ेंगे व्यक्तिगत कोई बनाने की कोशिश ना करें। लड़ाई का बात है लड़ाई लड़िए हम भी लड़ेंगे और सारे लोग लड़ेंगे लेकिन ये जो 30 नंबरी वाला बात है उसको कंडेम करेंगे वही बात महाराज घूम का ये किया गलत बात वो चीज हमको भी लगता है कि नहीं करिएगा शांत रहिए ना महाराज शांत रहिए तो उस चीज को हम लोग आज खत्म करते हैं क्योंकि कोई भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी और मीकू पाल जी जुड़े हैं दीपांकर भी जुड़े हैं और हम भी जुड़े हैं और यही चाहेंगे कि एक दूसरे का टीका टिप्पणी खत्म करें। बिल्कुल बिल्कुल मुझे कोई शौक नहीं है कि किन्हीं भाई को मैं दिल दिखाऊं और 30 नंबर बोलूं लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि लड़ाई अपने हक के लिए है व्यक्तिगत मुझे गाली न दिया जाए नहीं आपको कोई हम भी चाहते हैं कि कोई व्यक्तिगत गाली नहीं हम लोग कोई बहाली को रद्द करने के लिए हम लोग नहीं बहाली लाने के लिए खून बहा थे यही चारों पांचों हम लोग जो यहाँ बैठे हैं बहाली लाने के लिए और बहाली रद्द होने का ना इनका इच्छा है ना मेरा इच्छा है कि बहाली किसी भी सूरत में बंद होनी चाहिए बहाली नहीं रद्द होनी चाहिए बिल्कुल बहाली नहीं रद्द होगी इसके जो रद्द होने करने वाले लोग आएंगे उनका मजबूती से हम लोग मुकाबला करेंगे मजबूती से मुकाबला करेंगे तो बस आप लोग से यही है कि अगर जो बीएड के साथी इनका मदद करना चाहते हैं इनका मदद करना चाहते हैं जो डीएलएड के साथी हो धनंजय जी का मदद करना चाहते हैं मदद करना चाहते क्योंकि देखिए
अगर किसी को भी अपना हक बचाना है या किसी को लेना है तो अपने जो शीर्ष नेतृत्व करता है उनको मदद करनी पड़ेगी, और दोनों लोग अपने मजबूती से पक्ष रखें। वो पन्ना सर का सीधा सीधी ट्रांसफर वाला मामला था, प्रशांत भूषण जी ने भी अपने तर्क रखा, मीनाक्षी मैम भी बोलना चाहिए, एक दो वर्ड बोली और उसके बाद बोले कि नहीं नहीं मैं ये मामला नहीं सुनूंगा, और जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच पर ट्रांसफर कर दिया। और सोमवार को सुनवाई होनी है, यानी कि 16 अक्टूबर को नहीं अभी पूरा नहीं, अच्छा एक चीज कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ अगले हफ्ते सुनवाई होगी और वहाँ पे जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य। भाई भाई एक मिनट, डिसीजन जो भी होगा उसे तो किसी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब रह गया, आप भी जानते हैं कि राजस्थान का मुद्दा अलग है, बिहार का मुद्दा अलग है, फिर भी हम जिस हक के लिए गए, यदि हमें उस लड़ाई में जीत मिलती है तो बिहार में शिक्षक बहाली में हम लोगों की एंट्री होती है, और जीत नहीं मिलती है तो किन्हीं कीमत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि उसे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो बस एक इंतजार इंतजार कीजिए, जो भी होगा हम भी अपने लिए पूरे जी जान से लड़ रहे हैं, बस बात खत्म है। और तब ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मुद्दा अलग है, तो बिहारों का मुद्दा अलग है, छत्तीसगढ़ जरूर जरूर है, छत्तीसगढ़ वाला फिर आप वही बात सेम है, इन प्रोसेस जितना भी है वो सब सेम है, राजस्थान को हटा दीजिए, इन प्रोसेस जितना भी है जितने राज्य में बहाली चल रही है आपका डाला था ना, फिर जज बन जाते हैं महाराज, रह रह के आप जज बनते यही पसंद नहीं, आप कहिए कि जो होगा वो मानेंगे, बस हम तो बोल रहे हैं कि जो होगा मानेंगे, वो हमको पता है कि क्या अंतिम निर्णय आएगा, कि क्या बिहार सरकार, आप तो महाराज बोलवे नहीं कीजिए, आप तो छोटा चरण बंद कराने वाले, आप खत्म कीजिए कहानी, ये तो पहले बताए उन्हीं के बेंच में गया है, आप तो छोटे चरण खत्म करने वाले, आपसे क्या बात किया जाए, उन्हीं के बेंच में गया है, केस अनुद बोस ही 137 रिट पिटीशन पर डिसीजन दिए हुए हैं, मीडिया ब्रीफिंग करेंगे, चलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मिला हुआ है या क्या, नहीं हम लोग मिले हुए नहीं है, ये अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़े, और मैं अपनी लड़ाई ईमानदारी से आज रखा हूँ पक्ष, और हमारे तरफ से गोपाल शंकर नारायण, दिनेश कुमार तिवारी और मीनाक्षी अरोड़ा मैम उतरी थी, आप लोग को सुबह में ही जानकारी मिल गया था, और मैं चाहता हूं कि हम लोग जीते, डीएलएड जीतेगा, यही ब्लास्ट करना चाहते हैं, ये लोग हारेंगे, बीएड जीतेगा कि डीएलएड जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो मजबूती के साथ हम लड़ेंगे बीएड को जिता करके दम लेंगे, बस इतना जाने, अनिरुद्ध बोस का फैसला 47 पर जीतेगा, और न सिर्फ बीएड जीतेगा, बीएड हारेगा, बीएड जीता है, चीज को मैं मानता हूँ, जजमेंट को ये जो जजमेंट को कितने तारीख से क्लियरेंस है, बिल्कुल मानते हैं, इसमें क्या है, लेकिन कब किस डेट में क्लियरेंस आप कर दीजिएगा, का आप ही अनिरुद्ध बोस हैं, आप क्लियर यहाँ कराने आए कि भाई अपना मौका मांग रहे हैं, लोग टेंशन में कहीं अनिरुद्ध बोस डेट ना क्लियर कर दे, बोलिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं, इनका ये टेंशन है कहीं अनिरुद्ध बोस 11 अगस्त 2023 वाली डेट ना दे दे, तो डेट तो उसमें मेंशन है, कहां मेंशन है, उसमें मेंशन बोलो, आप बोलो जो बोलना बोल दो, हो चुका मेरा मित्र, सभी साथी जुड़े हुए थे, और इनका यही सवाल है कि उसमें डेट मेंशन ना कर दिए, डीएलएड वालों का टेंशन, तो मैं बता देता हूँ उसमें दो ही डेट आएगा, या तो 28 जून 2018 से रद्द होगा, नहीं तो हाईकोर्ट वाला राजस्थान वाला अलग होगा, ये भैया फैक्ट बोलता है, कम से कम 47 पन्ना पढ़े तो होंगे, भैया तो 2018 लगाइए ना, तो पूरा बाहर जाए, तो पूरा जाए, तो ये देखिए यही चाहते कि छठा चरण राजस्थान वाली डेट जो है वो राजस्थान सरकार की मान्य होगी, पूरे देश में 11 अगस्त 2023 वाली मान्य होगी, ये देखिए ये तो अपने पक्ष से कह सकते हैं, स्पष्ट रूप से कहा ना, लाइव हटा दीजिए, बता दीजिए, लाइव हटाइए, बंद कर दीजिए, सीजीआई के